दुर्गा, हाँ दुर्गा जी की तो पूजा करते हैं, दुर्गा जी की भोलेनाथ। कहाँ पे बताया तुमने, कहाँ पे अलीगढ़, कहाँ पे, कौन सा गाँव? राजमार्ग पे, राजमार्ग पे वहाँ है दुर्गा जी का मंदिर। घर वाले तो वहीं बिचार, इसकी पूजा नहीं करी तुमने दुर्गा की? माता जी छोटे से कुली की देवी है, बाहर आ गया था ना माता जी छोटे से। समस्या पता क्या है, तुम्हारे अतिरिक्त पितर जा रखे हैं, एक नहीं अनेक। हाँ बहुत आई बात समझ में, इसलिए तुम पीड़ित हो। बहुत सारे जा रखे हैं जो कि आदि उम्र में अल्प आयु में माँ भगवती बता रही है कि आज हम ये काम करेंगे तो दो दिन तीन दिन छोड़ने के बाद तुम्हारे उस काम में अड़चन आ जाती है, रोड़ा आ जाता है, पत्थर आ जाता है, तुम्हारा वो काम नहीं हो रहा है। अभी भी तुम कब से सोच रहे हो ना, सोच रहे हो रहा है नहीं हो, जब तक ऐसा लगता है कि हाँ चलो यहाँ से हम निकल जाएंगे, इस रास्ते पे जाएंगे, लेकिन दो चार दिन तो तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है सब अच्छा चल रहा है, लेकिन दो तीन दिन बाद ऐसा होएगा, पत्थर ऐसा आता है आगे कि आगे का रास्ता ही नहीं दिखता, चार कदम पीछे तुम चले जाते हो, धन की हानि हो जाती है। सही है कि नहीं? काम क्या करते हो तुम? अपना काम, अपने हाथ का काम, ठीक है। बेटा तेरा पिता भी तो जवान चला गया था, कितने भाई? मैं पिताजी का तो अकेला हूँ जी, माँ के तो कह रही हूँ। तो बेटा फिर करना पड़ेगा तुझे, पिंड भरने पड़ेंगे तुझे। ये ब्रह्म कुंड में जाके पिंड भरवा दे पापा के, अपने पिता के। आई बात समझ में? ले उनके नाम के रखना, पिता के नाम के रखना, नारायण में नारायणी करवा दे, या ब्रह्म कुंड में पिंड भरवा दे, या नारायण शिला में भरवा दे, जा तू कभी दुख नहीं पाएगा। और जो तू सोच रहा है अपना घर मकान अपनी जमीन हो जाएगी तो तभी होएगी बेटा, उससे पहले नहीं हो सकता, शरीर में कष्ट आएगा। पिता तेरे साथ चलता है, तेरा पिता तेरे साथ चलता है, लेकिन तेरे हाथ से कुछ नहीं मिला उनको, तूने कुछ नहीं दिया उनको, हमें कुछ पता ही नहीं था, और तभी तू भटक रहा है। ये जमीन मकान का तेरा आज से नहीं, कब से हो रहा है, कब से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा बेटा, तू बोल रहा है, होते होते रह रहा है कि नहीं रह रहा है, इसीलिए तो रह रहा है। ले अपने पिता का करना रखना, इसमें बोलना मैं करूंगा, ठीक है, अमावस के दिन करना, और अमावस आती है ना महीने में आती है एक, उसमें करवाना, जा तेरा कल्याण होएगा, जमीन भी होगी मकान भी होगी, और जब हो जाएगा ना मकान जमीन इधर आ तो पेट लगाना माँ भगवती को नारियल चुन्नी, इधर कर जा, जा खुश रह, कुछ नहीं है तेरे पे, कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, कुछ नहीं है, केवल पितरों पितर नाराज हैं, पितर नाराज हैं, पितर नाराज हैं। ले पांच पांच आने बच्चे को, ये तो तू अपने पिता के लिए रखेगा, वचन है ये सब मिला दे चावल, ले पांच पांच आने खाना ले, तभी तो तुम रोग दोष से घिरे हो, क्योंकि वहाँ तो हमारे लिए ना जगह जमीन भरने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ का तो तू भूल जा, भूल जा, कोई नहीं जानता तेरे को, तेरे को पहचानने से इनकार कर रहे वो लोग, सच है झूठ? सच, झूठ बोल रही मैं? नहीं सच है ये बात, तेरे को पहचानने से इनकार कर रहे, तू है कौन, बोल रहे ही नहीं बोल रहे, यही होगा तेरा, बता यही होगा, यही होगा, वहां तो देने के लिए बिल्कुल मना, यही होगा तेरा, यही होगा, बोल दिया इस माँ ने, यही होगा, ठीक है, पर पहले पितर का करा आपने, तभी होगा तेरा यहाँ, जा क्या कराने पड़ेगा माता जी, पिंड भरने पड़ेंगे बेटा हरिद्वार में, हाँ आई बात समझ में, हाँ अमावस के दिन करा मेरे बच्चे, सब अच्छा होएगा, सब अच्छा होएगा तेरा, सब अच्छा होगा।